तो आज मैंने ये कैप बनाई है, बहुत ही सुंदर सी, प्यारी सी। देखो, ये मैंने अपने बेबी के लिए बनाई है। 2 महीने से 8 महीने तक या 6 महीने तक इसे कोई भी बेबी लगा सकता है। ये मैंने कम सर्दियों के लिए बनाई है, क्योंकि गरम कैफ बच्चे नहीं लगाते हैं और उनके बालों में पसीना आ जाता है तो वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो दिन में अगर आप इस कैप को लगाएंगे, क्योंकि उन्हें सर्दी भी नहीं लगेगी और ये आरामदायक भी होगी। तो देखिए कितनी प्यारी सी ये मैंने कैप बनाई है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में बन जाती है, ज़्यादा समय में नहीं बनती है, कम से कम समय में बन जाती है। ये सिर्फ मैंने 10 मिनट में बना के तैयार कर ली है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इस बचे हुए कपड़े से कैफ बनाकर दिखाऊंगी। देखिए, ये मेरा बचा हुआ कपड़ा है और थोड़ा ये लंबा ही है। तो पहले हम इसे बीच में से कट करके जॉइंट कर लेते हैं। इस तरीके से इसे हम कट कर दे देंगे। अब इसे हम इधर की साइड से सिल लेते हैं। तो देखिए, इधर की साइड से हम इसे सिल लेंगे। सिल लिया है। अब इसे मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। तो अब क्या करेंगे, पहले हम नाप लगाएंगे। पहले इसे हम नापेंगे। देखो, ये मैंने चौकोर कपड़ा कर लिया है। तो अब हम फिर से इसे डबल करेंगे। अब मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। तो लंबाई हम इसकी रखेंगे 8 इंची और थोड़ा आधा इंची का और गैप करेंगे इसमें, यानी आधा इंची का गैप करेंगे, क्योंकि 1 इंची हम इसकी चौड़ाई रखेंगे और आधा इंची दोनों तरफ से सिलाई में कट हो जाएगा। इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 5 इंची। इसमें भी थोड़ा गैप देंगे। अब ऊपर की साइड से, क्योंकि हमें 5 इंची रखना है, तो ऊपर की साइड से जो कपड़ा बचा हुआ है उसे हम कट कर देंगे। इधर की साइड से भी कट करेंगे, क्योंकि इधर की साइड भी बड़ा कपड़ा है। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ कि इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 8.5 इंची, थोड़ा सा गैप देकर, क्योंकि आधा इंची तो इस सिलाई में आ जाता है। और इसकी चौड़ाई रखी है 5.5 इंची, तो 1.5 इंची हम यहाँ से नाप करेंगे। देखो, ये 1.5 इंची मैंने छोड़ दिया है, ये लाइन बनाई है मैंने। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इस
लाइन पे से 1.5 इंची छोड़कर यहाँ देखिए इस तरीके से निशान लगाएंगे। देखिए अब इसे हम कट कर देंगे, ये 1.5 इंची नहीं कट करेंगे, इसे हम छोड़ देंगे और यहां से कट करेंगे। तो देखिए ये मैंने कट कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब इसके लिए हमें किनारी रखने के लिए पाइपिंग बनाएंगे। तो पाइपिंग की चौड़ाई लेंगे हम 3 इंची और लंबाई लेंगे हम 11 इंची, क्योंकि इस तरीके से यहां से यहां तक, क्योंकि इसमें हम चुनचे डालेंगे। इसकी लंबाई लेंगे हम 11 इंची। तो पहले 11 इंची की पट्टियां हम कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ये 3 इंची की पट्टी कट कर ली है, चौड़ाई में 3 इंची है और लंबाई इसकी 11 इंची है। एक और पट्टी कट करेंगे, तो ये मैंने की है 1.5 इंची की पट्टी कट, ये मैंने बहुत लंबी कट की है। इसे आप 16 इंची की या 17 इंची की भी कट कर सकती हैं इस वाली पट्टी को, और ये मैंने 11 इंची कट की है। तो अब मैं आपको इसे एक कैप बनाऊंगी जो 2 महीने के बच्चे से लेकर 6 महीने तक बच्चा इसे आराम से पहन सकते हैं। यानी बेबी 2 महीने का बेबी और 6 महीने तक इसे पहन सकते हैं। अगर आपका 4 महीने का बेबी है या 5 महीने का बेबी है या 6 महीने का बेबी है तो वो भी इस कैप को पहन सकता है। तो आप, मैं आपको इससे कैप बनाकर दिखाऊंगी बहुत ही आसान और सरल तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां सेंटर पे यानी बीच है देखिए, तो यहां सेंटर पे थोड़ा सा कट कर देते हैं इस तरीके से, और इस पट्टी के भी सेंटर पे बीच में थोड़ा कट करेंगे इस तरीके से। तो देखिए अब इस कपड़े को हम इस तरीके से चौड़ा करेंगे और इस वाले जो पट्टी हमने 3 इंच की कट की थी उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे और इसे हम जो हमने कट किया था सेंटर पे यहाँ पे और यहाँ पे दोनों को बीच में ही रखेंगे। देखिए तो पहले इधर की साइड पे चुनके डालेंगे फिर इधर की साइड पे डालेंगे, चुन्नट हम अंदर की तरफ को डालेंगे इस तरीके से। कम से कम 1.5 इंची कपड़े में देखिए यहाँ पे मैं चुन्नट नहीं डालूंगी। एक और मशीन लगाऊंगी मैं,
अब यहाँ से मैं चुन्नट डालूंगी, जैसे मैंने ये वाली अंदर की तरफ डाली थी इस तरीके से। इधर की साइड 1.5 इंची हम छोड़ देंगे। इधर की साइड मैंने 1.5 इंची कपड़े में चुन्नट नहीं डाली है, जैसे इधर की साइड में भी नहीं डालेंगे। इसे भी हम सादा सिलाई करेंगे। दोनों तरफ से जो कपड़ा बचा हुआ है इसे भी हम कट कर देते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, इसे हम इस तरीके से निकाल के ऊपर की तरफ थोड़ी चौड़ाई में इसे होल्ड कर देंगे, यानी चौड़ाई में होल्ड करके इस पे मशीन लगा देते हैं। अब नीचे की तरफ हम ऐसे ही दूसरी लेस लगाएंगे नीचे की तरफ। तो देखिए ये मेरी जो पतली वाली पट्टी है इसकी थोड़ी सी हम ऐसे सिलाई करेंगे, थोड़ी सी बांधने के लिए हमें डोरी बनानी है ना, इसलिए। अब यहाँ से इस तरीके से रखकर सिलाई करेंगे, यानी पट्टी पे यहाँ से रखकर सिलाई करेंगे। थोड़ी सी सिंपल करेंगे। सीधी तरफ से सिल रही हूँ ना, देखो। अब यहाँ से बीच में, यानी मैंने ये बीच में सिलाई लगाई थी, अब यहाँ पे दो दो चुन्नटें लगाएंगे। दो चुन्नटें लगाएंगे इस तरीके से, फिर दो चुन्नटें लगाएंगे हम इस तरीके से। अब हम सादा सिलाई लगाएंगे। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 4 चुन्नटें डाली हैं, सिर्फ 2 इस वाली साइड में, 2 इस वाली साइड में। अब जैसे हम अपनी पट्टी बना रहे थे ये वाली, वैसे ही इस तरीके से बनाते जाएंगे। देखिए ये मेरी छोटे से प्यारे से नन्हे से बच्चे के लिए कैफ बनके तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।